प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबको सलाम और तमाम सुनने और देखने वालों को यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और मैं आज एक बार फिर खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें यह मौका दिया है ताकि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हम सीखें समझें, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। और आज हम स्केप्टिक क्वेश्चनों में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल जो कि बाइबल मुकद्दस में से स्केप्टिक लोग उठाते हैं। और ये जो आज का सवाल है, ये इसमें एक बहुत बड़ी तालीम भी है, और ये आज हम मसीहियों के लिए जानना समझना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब वहाँ तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, और ये बिना खुदा के कलाम को पढ़े सुने और समझने के ये हम सीख नहीं सकते। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको सीखना समझना बाइबल मुकद्दस में से। तो ये जो सवाल उठाया जाता है रसूलों के अमाल उसका 2 बाप और उसकी 38वीं आयत, और फिर 22वां बाप और उसकी 16वीं आयत, और फिर उसके बाद 1 पत्रस उसका 3 बाप और उसकी 21वीं आयत। इन तीनों रेफरेंस को कंपेयर किया जाता है रोमियो उसका 5 बाप और उसकी 1ली आयत, और फिर इफ़सियों उसका 2 बाप और उसकी 8 और 9 आयत से। और सवाल इन रेफरेंस को मिलाकर जो उठाया जाता है वो ये है कि इंसान पानी के बपतिस्मा से निजात पाता है, यानी कि पानी का बपतिस्मा लेकर निजात पा सकता है, या कि ईमान लाकर वो निजात पा सकता है। क्योंकि जब हम रसूलों के अमाल और 1 पत्रस उसका 3 बाप और उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इंसान बपतिस्मा लेकर तो निजात पा सकता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं रोमियों 5:1 और इफ़सियों 2:8 और 9, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि हम ईमान लाने से निजात पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मसीहत के अंदर, बुजुर्गाने दीन के अंदर ये एक बहुत बड़ी डिबेट भी हो रह चुकी है, ये बहुत ही पुराना मुद्दा है इस पर, तो ये बहुत इस पर बातें हो चुकी हैं पहले से भी, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्हीं बातों के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं कि कौन सा हम कन्फर्म काम करें, यानी कि ईमान के ज़रिए से हम निजात पा सकते हैं या कि बपतिस्मा लेकर हम निजात पा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईमान को लेकर बात मानते हैं, और बहुत सारे लोग वो बपतिस्मा को लेकर मानते हैं कि हम निजात बपतिस्मे से पा सकते हैं। क्योंकि जब हम आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक पास्टर को मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक कोई इंसान बपतिस्मा नहीं लेता तो हम उनका जनाजा भी नहीं कर सकते। और फिर कुछ ममालक के अंदर ऐसा भी पाया जाता है जो कि देखा गया है कि उन्होंने कहा कि जब कोई किसी का बुज़ुर्ग मर जाता है, किसी के बुज़ुर्ग मरे हुए हैं, दादा परदादा इस तरह के वो मरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप उनका हिस्से का बपतिस्मा ले सकते हैं और वो भी निजात पा सकेंगे। यानी कि जो मर गए हुए हैं आप उनकी जगह पर बपतिस्मा लेंगे उनके हिस्से का, तो वो भी निजात पा जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है जो कि नहायत ही बाइबल के ख़िलाफ़ बात है। तो इसको हम वैसे भी, अगर आप में से बहुत सारे लोग हिस्ट्री के मतलब जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि जैसे कि कभी पोप ऐसा किया करता था कि वो पैसे लेकर तो वो लोगों के लिए एक लेटर जारी किया करता था कि उस पर साइन करके, कि जो इंसान पैसे देता था और उसको लेटर एक दिया जाता था, उस पर पोप के साइन होते थे और उस पर लिखा होता था कि आपके गुनाह माफ़ हो गए हैं और आप निजात पा चुके हैं। यानी कि इस दुनिया के ऊपर ही उसके गुनाह माफ़ हो चुके होते थे, और वो पोप की तरफ से वो जारी होता था लेटर, तो वो इंसान बहुत खुश हो जाता था कि मुझे मेरे गुनाह माफ़ हो गए हैं और मैं इस दुनिया पर रहते हुए ही निजात पा गया हूँ, मेरा फैसला इस दुनिया पर ही हो गया। तो यानी कि ये नहायत ही बेबुनियाद बात है और बाइबल मुकद्दस के ख़िलाफ़ बात है। तो जब हम देखते हैं इनको, इसलिए हमें ये तलीम जो ऐसी हो रही हैं, इसलिए हमें ऐसा जानना बाइबल में से ये आज नहायत ही ज़रूरी और अहम बात है, इसलिए हमें ये इनको समझना ज़रूरी है। तो जब हम
रोमियो 5:1 और इफिसियों 2:8-9 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा पता चलता है कि हम ईमान लाने के सबब से निजात पा सकते हैं। लेकिन जब हम मत्ती की अंजील बाप नंबर 28 और उसके आयत नंबर 17-19 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि बपतिस्मा लेने से हम यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं। यीशु मसीह का ये ऐलान करते हैं बपतिस्मा लेने से कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, और आज से हम ये ऐलान करते हैं कि आज से हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करने को जा रहे हैं। और जब हम पहला पत्रस उसका 3 और उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें ऐसा नज़र आता है कि इंसान निजात पाता है और पानी के बपतिस्मे से, और ऐसा हमें तब लगता है जब हम सही कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, तो फिर हमें ऐसा समझ आता है। तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है अहदों के बारे में, यानी कि जैसे नया अहद है और पुराना अहद, क्योंकि खुदा ने जब भी बात की है अहदों पर बात की है। और जब अहदों खुदा अहद बांधता है किसी से, खुदा ने जब भी कलाम किया है तो अहद बांधा है, और उस अहद के अंडर रहते हुए इंसान को काम करना होता तो ही इंसान पाया तकमील तक पहुंच सकता है। जैसे कि हम पलूस को देखते हैं गलतियों उसका 5 और उसकी 2 से आगे हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर पॉल बताता है कि यहूदियों के अंदर यानी पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने इब्राहिम से, बाप इब्राहिम से ये अहद बांधा था खतने का। और खतना क्या, इंसान जब खतना करवाते थे तो क्या, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से ये वादा किया था, ये अहद बांधा था कि तेरी नस्ल जो है वो जब खतना करवाएगी तो मेरे और तेरे दरमियान ये अहद रहेगा कि वो मेरी कौम होगी और मैं उनका खुदा रहूँगा, पैदाइश की किताब 17 और उसकी 7 के मुताबिक। तो इसको हम वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो क्या यहूदी लोग जो थे वो जब खतना करवाते थे तो क्या वो निजात पा जाते थे खतने से? नहीं, बल्कि उनको वो भी तमाम शरायत पूरी करनी होती थी जो खुदा ने उनको बताई थी। और सेम इसी तरह नए अहदनामे में भी खुदा एक अहद बांधता है बपतिस्मे का कि इंसान को पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। अब हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं जैसे हमने पुराने अहद में देखा कि लोग खतना तो करवाते थे लेकिन वो खुदा ने जो अहद बांधा था उसको तो वो पूरा करते थे, लेकिन उसके साथ की जो शरायत थी उसको पूरा नहीं करते थे, जिस वजह से वो निजात नहीं पा सकते थे। क्योंकि निजात जो है वो ईमान के सबब से पा सकता है इंसान। क्योंकि जब हम देखते हैं कोई भी इंसान अगर उसने वो मसीही है और मसीही घराने में पैदा हुआ है तो अगर वो 2004 के अंदर बपतिस्मा लेता है पानी का बपतिस्मा और 2010 के अंदर वो नई पैदाइश पाता है, तो अगर वो 2009 के अंदर वो मर जाए तो क्या वो निजात हासिल कर सकता था? तो हम समझ सकते हैं कि नहीं, बल्कि निजात के लिए जो रूह का बपतिस्मा है यानी कि नई पैदाइश जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ सकते हैं मत्ती की अंजील में भी, लूका की अंजील में भी, कि जैसे यीशु मसीह के 7 डाकुओं को भी स्लिप दिया गया था, तो उनको भी हम देख सकते हैं कि जब उसने उन दोनों में से एक ने यीशु मसीह पर ईमान लाया और यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तो क्या यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि तुम जल्दी से जाओ और जाकर यहाँ से जैसे कैसे भी करके स्लीप से उतरो, और स्लीप से उतर कर तो पहले बपतिस्मा लेकर आओ और बपतिस्मा लेके आने के बाद फिर तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बपतिस्मा उस वक़्त इसलिए ज़रूरी नहीं था क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदा थे, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के होते हुए भी यीशु मसीह के शागिर्द और यूहन्ना भी बपतिस्मा दिया करता था, और यीशु मसीह तब ज़िंदा थे तभी दिया करते थे, तो ये हमें बिल्कुल ही बेबुनियाद बात नज़र आती है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत नज़र आता है यहाँ पर। और फिर जब हम
एक और बात करते हैं यहाँ पर कि उस वक़्त यीशु मसीह उनके साथ थे, उस बंदे के साथ थे, तो इसलिए उसको बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके लिए एक एग्जांपल है जिसको हम आसानी से समझ सकेंगे। अब किसी जगह पर 3 दिन की कन्वेंशन की जाती है, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और वहाँ पर कोई एक जो गैर मसीही है वो बंदा वहाँ पर आता है उस प्रेयर मीटिंग के अंदर, 3 दिन की प्रेयर मीटिंग के अंदर, और वो मुसलसल 2 दिन आता है, फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन वो मुसलसल आता है। और जब वो आता है 2 दिन, तो वो ईमान ले आता है कि यीशु मसीह ही खुदा है, और यीशु मसीह पर वो ईमान ले आता है। और अब वो जब 2 दिन आता है, तो जब संडे का दिन है, वो उस कन्वेंशन के अंदर उन्होंने रखा था, जो मीटिंग वाले हैं जिन्होंने मीटिंग रखवाई थी, कि इस मीटिंग में संडे के दिन बपतिस्मे होंगे लोगों के, 3 दिन की कन्वेंशन होगी और संडे का 3रा दिन जो होगा उस दिन बपतिस्मे होंगे लोगों के। अब वो शख्स 2 दिन आता है, यानी फ्राइडे और सैटरडे, और 3रा दिन जब बपतिस्मे का होता है, तो उसने अपने दिल में ये अहद बांध लिया था कि अब मैं संडे वाले दिन बपतिस्मा लेने के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो अब वो उसने 2 दिन आया, उसने ईमान ले आया, और फिर जब संडे के दिन वो चर्च जा रहा था, उस मीटिंग में जा रहा था, और जाने के दौरान अब आज उसने संडे वाले दिन बपतिस्मा लेना था, और जाते ही रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो क्या अब वो निजात नहीं पा सकता, क्योंकि उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या वो निजात नहीं पा सकता? तो इससे हम समझते हैं कि जब उसकी नई पैदाइश हो गई है, तो जब वो नए सिरे से पैदा हो गया, रूहानी बपतिस्मा उसका हो गया, तो हम समझ सकते हैं कि वो निजात पा सकता है। सेम इसी तरह इसी बात को मैं सिंपल करना चाहूँगा कि अगर जैसे आज रशिया का एक मुल्क है, वहाँ पर सर्दी नहायत ही बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वहाँ पर शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, कि वहाँ पर उसका टम्परेचर हर वक्त सर्दी का बहुत ज़्यादा रहता है रशिया के अंदर। तो मानो कि कोई 80-90 साल का बुज़ुर्ग हो वहाँ पर, तो उसने वो पहले से ही बीमार हो, और वहाँ पर वैसे भी इतना बूढ़ा इंसान जो है वो वैसे ही बीमार ही होगा, उससे चला मुश्किल जाएगा, क्योंकि जितनी सर्दी होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो पानी में भी हाथ पांव लगाने को दिल नहीं करता, पानी को भी। तो अगर कोई वो शख्स, वो बूढ़ा शख्स ईमान ले आता है अपने आखिरी दिनों में, तो अब उससे उसको पानी में नहीं जाना वो चाहता, क्योंकि पानी इतना ठंडा है कि अगर वो उसमें जाएगा तो वो उसकी डेथ हो सकती है उससे, उसकी उस पानी में जाने से, बपतिस्मा लेने से। तो अब अगर वो इस सिचुएशन में बपतिस्मा नहीं लेता, तो क्या उसने ईमान लाया और वो नए सिरे से पैदा हो गया, तो क्या वो अब निजात नहीं पा सकता? तो हम समझ सकते हैं कि वो निजात पा सकता है, क्योंकि अब वो नए सिरे से पैदा हो गया है, और रूहानी पैदाइश उसकी हो चुकी है, और रूहानी बपतिस्मा जो उसका है वो हो चुका है। तो इसलिए अब जब मैंने ऐसी एग्जांपल्स दी, ऐसा सब कुछ बताया, तो इसमें ये बात मैं हम नहीं कह रहे कि अब पानी का बपतिस्मा जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि पानी का बपतिस्मा जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है ये, तो इस हुक्म को पूरा करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, जो कि यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है, हम उस हुक्म के हमें मानना, हम यीशु मसीह के ताबे रहना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी का बपतिस्मा जब हम देखते हैं इसको रोमियो उसका 6 बाप और उसके 3-5 आयत में, कि ये जाहिर करता है कलीसिया में कि अब से हम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। और फिर उसके बाद जब हम पहला करिन्थियों उसका 12वां बाप और उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम समझते हैं कि कलीसिया का इंसान हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो अब यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए ये बपतिस्मा लेना भी हमारे लिए, पानी का बपतिस्मा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में पानी का बपतिस्मा नहीं ले पाता, लेकिन उसकी नई पैदाइश ज़रूरी है,
तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है सबसे और अहम ये है सबसे कि इंसान की नई पैदाइश होना ज़रूरी है और उसका रूहानी बपतिस्मा होना ज़रूरी है, यानी कि वो उसका नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है तो वो निजात पा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं आप समझ गए होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और देखते रहिए यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री को, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और खुदावंद के फजल से इसी तरह हम बहुत सारी ऐसी बातें जो कि खुदा के कलाम में से हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।